नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। आज के मुख्य समाचारों में, पाकिस्तानी गोलाबारी में उत्तराखंड के दो जवानों ने दिया राष्ट्र के लिए बलिदान। वैश्विक महामारी और रमजान का महीना होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी ओर से कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी की जा रही है, जिसमें 21 कुमाऊं रेजिमेंट के पिथौरागढ़ गंगोली हाट निवासी जवान शंकर सिंह और मुंशियारी के जवान गोकर्ण सिंह शामिल हैं। दोनों वीर सिपाहियों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं कोरोना अपडेट में, उत्तराखंड में आज एक नया मामला उधम सिंह नगर से आने के बाद कुल मामलों की संख्या 59 हो गई है, जिसमें से 39 ठीक हो चुके हैं, 19 मामले एक्टिव हैं। एक मामला जिसमें से कल ऋषिकेश में एक मृत्यु हुई है, लेकिन उस पर बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव तो थे, लेकिन उनकी मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई है। अगले समाचार में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 5 मई को 12 बजे छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन्होंने बताया कि वह 5 मई को 12 बजे वेबिनार के द्वारा छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल के साथ। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।